और अगर प्राइवेट सेक्टर होता ना तो बंदा बेच कर भाग जाता जितने मुलाजमीन ने उनकी छुट्टी करता या कहीं और लगाता ये तो गवर्नमेंट सेक्टर है जिसके अंदर चलता रहता है जी वीर कब जब मैं पूछता हूँ जब मैं बिठाता हूँ किसी मीटिंग में लोगों को तो मैं पूछता हूँ कि ये हो रहा है ये हो रहा है तो हर एक कहता है कि जी हाँ हम कर रहे हैं तो आई नो कि ये मैं मेरी तरफ से कोई नया आइडिया आपको मैं नहीं दे रहा एवरी वन ऑफ यू नोज वट आई एम टॉकिंग अबाउट मैं सिर्फ ये मेरी अर्ज है कि मुल्क चाहता है एक्सेलरेटर पर पैर अच्छा ये आपने एक्टर पर पैर रखा ये मुल्क चाहता है उससे ज्यादा पैर उससे ज्यादा प्रेशर डालें दिस नीड दिस कंट्री इज स्टैंडिंग ऑन ऑन अ गोल्ड माइन ऑफ पीपल मुझे अभी एक चाइनीज आप ही लोगों ने उसको इजाजत दी है एक चाइनीज ग्रुप यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है फिनटेक में उसने ये कहा दे केम टू मीट मी पता नहीं वो तो कह रहे हैं कि हम अगले दस साल में दस बिलियन डॉलर तक इन्वेस्ट करना चाहते हैं अभी भी आई फेट द नेम्स माई पॉलोजीज तो उसने उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुझको ये कहा कि जी आई एम इम्प्रेस बाय द नंबर्स इन पाकिस्तान जितने के पास लोगों के पास सेल फोन हैं इकॉनमी को एक तरफ छोड़ दें आई कैन मेक मनी राइट नाउ जस्ट बाई मेकिंग इट ईजी फॉर पीपल जो आपने खुद फरमाया मेकिंग इट ईजी फॉर पीपल टू ट्रांजैक्ट बिजनेस फिर आ, आप और मैं ये कहें कि जी लोग अडॉप्ट नहीं करते लोगों को आप फैसिलिटी देंगे टाइम लगेगा जब इंडिया में वो तरकारी वाली अडॉप्ट कर सकती है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं कर सकती दीज फैसिलिटीज हैव टू बी देयर तो एवरी थिंग बॉयज़ डाउन टू बेटर कम्युनिकेशन एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज ये आपका भाई वो है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर पीछे पड़ा रहा के कर लो और अपनी पार्टी में इस्तेमाल कर लिया ये नहीं कि मैं ऐसे ही कह रहा आई वॉज अ सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी मैंने कहा जी टेलीफोन पर वोटिंग करें पैंतीस लाख मेंबर हमारे बन गए थ्रू द इंटरनेट पैंतीस लाख सोच भी नहीं सकते थे हम हमने कहा जी टेलीफोन पर वोटिंग करेंगे पैंतीस लाख की वोटिंग कराना तो करोड़ों पंद्रह बीस करोड़ रुपए लग जाएंगे जब चा, चार करोड़ लोग आकर वोट डालते हैं पाँच करोड़ अवामी अफलाह के लिए डिजिटल निज़ाम खामिया और तारुक पर सेमिनार हो रहा है सदर ममलिक डॉक्टर आरिफ अलवी सेमिनार से खिताब कर रहे हैं और उनका कहना है कि मुल्क में बेहतरीन टैलेंट मौजूद है और सेमिनार जारी है जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर रहे हैं कि इसके इस्तेमाल से बेहतर अंदाज़ में पैसा कमाया जा सकता है दुनिया में वो मुल्क वो कौमें तरक्की करते हैं जो खुद को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जाते हैं पाकिस्तान में इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम मजीद डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएँ हमारे नौजवान जो कौम है उसमें टेलेंट मौजूद है हुनर मौजूद है ज़रूरी है कि जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए वो आवाज़ वो आवाज़ आइडेंटिफाई करती थी और कहती थी कि तुम इस काउंसिल के होम इसके दस लोग हैं वन टू वन मोहम्मद हुसैन साहब टू आरिफ अलवी साहब थ्री फ़लाना धमाका, तुम दोबारा सुनना चाहते हो तो ये आ, बटन दबाओ जिसको वोट देना चाहते हो उसका नंबर दबा दो फिर कंफर्म करता था ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डिंग से कि तुमने इसको वोट दिया कन्फर्म करके वो वोट लेता था फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूछता था फिर ऊपर लेवल का पूछता था एक ही ट्रांजेक्शन में वी पेड ईजी पैसा टू रुपीज टू हेल्प दोज हु आर गोइंग टू वोट इट दिस इज टू थाउजेंड ट्वेल्व माई फ्रेंड्स ट्वेल्व इलेवन ईयर्स अगो कि दो रुपये ईजी पैसा तो सारी कंप्लेट्स जो आई वो सिर्फ ये आई कि ईजी पैसा की दुकान देर से खुली दैट वॉज ऑल एंड वी मैनेज टू कंप्लीट दो ट्रांजेक्शन इन वन डे सारे दिन खुला एक दिन में लोगों ने लाखों ने वोट कर लिया कोई शिकायत नहीं आई शिकायत जब आई जब 400 लोगों को फिजिकल वोटिंग हुई लाहौर में 400 लोगों में फिजिकल वोटिंग हुई एलिगेशन आ गई जी पैसा लग, पैसा चला दो दो तीन तीन लाख रुपए चले लोगों की एलिगेशन से तो इसी द टेक् ये जो ये जो कैफियत है कि पहले पकड़ो पहले लो दैट्स द एडवांटेज ऑफ कुड बी द एडवांटेज ऑफ पाकिस्तान इफ़ वी आर बिहाइंड पीपल तो नो क्रेडिट टू अस वी विल है इट विल हैपन बिजली आई गई ना वी डि नॉट नीट थॉमस एडिसन टू मेक अ बल्ब आ गई फिर हम ये भी बता सकते हैं कि जी कितने लाखों कंज्यूमर्स हैं इस बिजली के बट वॉट इज योअर कंट्रीब्यूशन इट यू आर जस्ट बायर ऑफ अ टेक्नोलॉजी गोइंग आउट ये जो इंटलेक्चुअल मामला है इसके अंदर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि जो स्कैम होगा वो फिर भी होगा इंसान जब से पैदा हुआ है जब से दुनिया में आया है स्कैम करता रहा है. आई हैव नो कॉन्फिडेंस आप में से हर एक के पास मेरे पास कम से कम पंद्रह कहानियाँ तो होंगी बड़े स्कैम्स की जो मेरे साथ हुए पंद्रह कहानियाँ मेरे पास हैं आई वो डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम कि किस तरह से हर एंगल से डिजिटल से पहले से मेरे साथ स्कैम हो रहे हैं तो स्कैम तो होंगे है ना द प्रोपोशन ऑफ स्कैम्स टू द डिलीवरी ऑफ गुड सर्विस इज इम्पोर्टेंट लिहाजा जब आप उसको हैंडल करेंगे आप, आप स्कैम को यहाँ तक हैंडल करेंगे वो एक्सपर्ट्स यहाँ पहुँच जाएंगे यू विल ट्राई एंड रिपेयर इट हीय वो एक्सपर्ट्स यहाँ पहुँच जाएंगे दैट इज हैिंग इन एवरी ऑन एवरी इश्यू इन द वर्ल्ड क्रेडिट कार्ड हों क्रेडिट कार्ड के स्कैम्स होते थे आपको याद होगा हैं आइडेंटिटी उसमें से स्टिल होती थी अब ये डिजिटल है इसमें भी आइडेंटिटी स्टिल होगी टूडे द फिगर्स आर अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ सिक्सटी नहीं फिफ्टी सम फिफ्टी परसेंट ऑफ पीपल ओल्डर दैन सिक्सटी इन द यू एस उनको मैसेज स्कैमिंग मैसेजेस जाते हैं ओल्डर पीपल स्कैम होते हैं मेरे रिश्तेदार पिछले दिनों मुझे पता ही चला कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वालों ने कहा कि जब वो लाहौर यहाँ इस्लामाबाद माइग्रेट कर गए कि उन्होंने कहा कि जी हम बता नहीं सकते मगर ये ज़ईफ़ आदमी आते थे और हमने इनको बहुत लूटा है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ इंसान की फितरत के साथ है आप गेट्स लगाते जाइए वो गेट्स में से सुराख तलाश करते जाएंगे दिस एफर्ट एंड पीपल कि फ़िलहाल यूर यू आर सेफ फ्रॉम फ्रॉम अ हैक जिसके साथ और फिर आप देखिए कि इतना पैसा ट्रांजैक्शन में है कि इन अ बैंकिंग कॉन्फ्रेंस इन कराची अ बैंकर अ वेरी फेमस बैंकर मेड अ स्टेटमेंट के थर्टी बिलियन डॉलर्स पाकिस्तानियों की क्रिप्टो करेंसी में आई वॉज शॉक्ट मैं समझता था रियल एस्टेट में पैसा होगा इतना

टारगेटेड मैसेजिंग की जरूरत है uh, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिसको पैशनेटली मेरी बीवी ने और मैंने पकड़ा ब्रेस्ट कैंसर एंड डिसेबल्ड पीपल का तो तेरह करोड़ मैसेजेस दिसंबर में इस साल गए आई एम थैंकफुल टू पीटीए फॉर दैट एंड टेलीकॉम कंपनीज तेरह करोड़ मैसेजेस गए तब लोगों के अंदर कोई थोड़ी सी चेंज का इम्कान नजर आने लगा है कि वुमेन आर रिपोर्टिंग ब्रेस्ट कैंसर अर्ली ब्रेस्ट कैंसर इशूज अर्लियर एन एड है इट विल हैव टू बी सबस्टेंशिएटेड बाई इन्फॉर्मेशन बट तेरह करोड़ मैसेजेस गए अच्छा तो कॉल वेटिंग इज समथिंग जो हर एक के पास है भी यू कैन डू टारगेटेड मैसेजिंग आई डोंट नो यू स्टिल हैव टू कन्विंस ओल्ड पीपल यार मेरे जो uh, uh, मामू का इंतकाल हुआ इन अ ट्रेन एक्सीडेंट है उनका जो जो कुछ था किसी को पता ही नहीं चला कहाँ गया जमीनों के कागजात का क्या हुआ तो ये हमेशा होगा एज पीपल बिकम ओल्ड तो दे विल मिसप्लेस थिंग्स दे विल गेट स्कैम दे विल डू एवरी थिंग बट सोसाइटी कीप्स ऑन मेकिंग एन एफर्ट कि नहीं स्कैम से इनको बचाओ एंड द कंट्री होप्स दैट कि आपसे हो आइडेंटिफिकेशन के एतबार से फिंगरप्रिंट पर आ गए मैं कंग्रेचुलेट द बैंक्स एंड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के औरतों के लिए अकाउंट खोलने का इम्कान घर बैठे बैठे जो हो गया ये बहुत बड़ी सर्विस है इफ़ यू आर वुमेन कम इन टू इंटरनेट डिजिटल पेमेंट सिस्टम बहुत बड़ा फ़ायदा होगा क्योंकि ये फिफ्टी टू परसेंट वाली जो लॉबी है जिसमें से शायद थर्टी फोर्टी परसेंट एक्टिवली आउट ऑफ होम का तो काम करती हैं मगर अब आ, बाहर के बिजनेस में शायद फार्मिंग वगैरह के अंदर सब मिलाकर 20-30% परसेंट हो बाकियों को इन्वॉल्व कर लेना वो डिजिटल बैंकिंग से बहुत आसान हो जाएगा उसको पेमेंट मिलेंगे बाहर जाए बगैर वो काम करेगी तो फिंगर देखो आपने बहुत आगे थे नादरा की फैसिलिटेशन विद फिंगरप्रिंट स्टार्टेड मच बिफोर इंडिया आप वाकिफ़ हैं ना इस्टार्टेड मजबूर एंड नादरा ने अपनी ये टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट अफ्रीका वगैरह में भी की इंडिया को छः सात साल पहले या आठ साल पहले यह ख्याल हुआ कि रेटिना के, के जरिए आइडेंटिफिकेशन करें दे स्टिल नॉट हंड्रेड परसेंट डन तो यू स्टार्टेड थिंग्स अर यू आर स्मार्ट इनफ टू डू थिंग्स आर ये कोविड की वजह से जो ऑनलाइन जूम टेक्नोलॉजी आई इसने तो हमें फोर्स कर दिया मैं पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये फैसिलिटी को पहले पहचाने देखो एज लोगों से आगे जब निकलोगे जब किसी चीज़ को लोगों से जल्दी पहचान लोगे इफ़ समथिंग इज़ अवेलेबल टू ऑल वर्ल्ड एंड कंट्रीज स्टेप ऑन इट अ लिटिल स्लोअर पाकिस्तान से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ के ऊपर इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ पे जाने में पैसा नहीं लगता कम पैसा लगता है। इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ में वो डिसीज़न मेकिंग के जल्दी कदम रखो वो वो लगता है देखो स्कैम के एतबार से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के अंदर क्या मैं बता रहा हूँ प्रिवेंशन का तरीका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में यह हुआ कि किसी ने गन पॉइंट पर रखा उसने कहा जी अब वोट कास्ट कर दो तो मेरे फेवर में